Hello students, welcome for the political science class. Today we are going to take your second book of political science. The book name is Political Theory. So the chapter one we are going to start, the name of the chapter itself is also Political Theory and Introduction. Okay, so let's start this chapter. So when we read about the political theory, in this chapter we will be reading about ki what political theory is all about. Political theory mein hum kiske bare mein padhenge? Political theory mein hum almost apni society ke bare mein, government ke bare mein, theek hai, aur moreover citizens responsibilities ke bare mein padhenge. So isme bahut sare questions arise hote hain, jaise why do we need a government? Okay, what type of society is there, and who manages this society, and which is the best form of the government? ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे questions होते हैं जिनको हम deal करते हैं political theory में. So political theory mainly examine करता है जो हमारे mainly जो systematic जो वैल्यूज हैं, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं जिनको हम एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं द पॉलिटिकल थ्योरी. ठीक है, एंड इट विल आल्सो टेल द स्टूडेंट्स और ट्रेन द सिटीजन्स टू थिंक लॉजिकली. वो अंडरस्टैंड करने पर, यानी उनको अगर इन टर्म्स को करेक्ट आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड कर देते हैं, तो दे विल रियली अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एंड दे विल वर्क लॉजिकली अकॉर्डिंग टू देम. ठीक है, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज व्हाट इज पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स होता क्या है? ठीक है, सो हर पर्सन के डिफरेंट आइडियाज होते हैं अबाउट द पॉलिटिक्स. लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटिकल लीडर्स की एंड पर्सन्स की जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, एंड दे हैव सम पॉलिटिकल ऑफिस और दे होल्ड सम पॉलिटिकल ऑफिस, वो मेनली थिंक करते हैं पॉलिटिक्स को देयर पब्लिक सर्विस. तो उनका मेन ड्यूटी होता है दैट दे हैव टू डू द पब्लिक सर्विस वर्क. ठीक है, सो इसके अलावा देयर आर सम अदर एसोसिएशंस पॉलिटिक्स जो इस चीज को मैनिपुलेट करते हैं, एंड दे थिंक एंड दे अंडरटेक देयर पोस्ट एज एन एम्बिशियस एंड दे वांट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. ठीक है ना, जैसे हम खुद पॉलिटिशियंस को देखते हैं हमारे कंट्रीज में कि किस तरीके से वो पॉलिटिकल पोजीशंस में रहते हुए अपनी पोजीशंस का फायदा उठाते हैं. ठीक है, सो सेकंड जिसमें हमने कहा, तो दे प्रमोट देयर इंटरेस्ट बाय एनी मींस पॉसिबल. ठीक है ना, या तो हम उसको कह सकते हैं कि वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए. ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे स्कैम्स पॉलिटिशियंस के ऊपर हम देखते हुए आते हैं. ठीक है, इफ वी सी अ क्रिकेटर, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है हमारी बुक में कि इफ वी सी अ क्रिकेटर मैनिपुलेटिंग टू स्टे इन द टीम, वो टीम में रहना चाहता है, और अ फेलो स्टूडेंट ट्राइंग टू यूज हिज फादर्स पोजिशंस, और वो अपने फादर की पोजिशन से क्रिकेट टीम में बने रहना चाहता है किसी भी रीजन से, मतलब कि चाहे वो किसी भी पोस्ट को लगा दे, तो दैट इज मींस कि वो डिजायरेबल नहीं है उस पोस्ट के लिए, बट फिर भी ही वांटेड टू इन द टीम, तो दैट मींस ही इज प्लेइंग समवॉट डर्टी पॉलिटिक्स. ठीक है, सो दैट इज द नेचर ऑफ सेल्फिशनेस. ठीक है, सो वी हैव सीन कि पॉलिटिक्स जो है वो दो तरह के होते हैं. ठीक है, एंड मोर एवर वेन वी से कि जो पॉलिटिकल टर्म है वो पॉलिटिकल टर्म है जो सेल्फ इंटरेस्ट को किसी भी तरीके से यूज कर अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करता है. ठीक है, इवन महात्मा गांधी
once absorbed that politics envelope is like the coal of a snake and there is no other way out but to bristle in it. महात्मा गांधी का खुद का ये विचार है कि अगर आप किसी भी तरीके से एक पॉलिटिक्स में यानी एक किसी तरीके से जो स्नेक के कॉइल में घुस जाते हो तो आप बिना किसी देयर इज नो अदर वे किसी भी तरीके से आप बाहर नहीं आ सकते हो. यू विल बी मींस आप धंसते चले जाते हो. तो ये पॉलिटिकल एनवेलोप है तो कहीं ना कहीं आप उससे बच नहीं सकते हैं. आप उसमें धंसते चले जाते हैं. सो नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग. तो हर सोसाइटी में ये चीजें होती हैं. अब अगर हम किसी भी गवर्नमेंट की बात करें तो देयर आर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जिनका काम होता है कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग करना. ठीक है ना. तो इस तरीके से हम सोसाइटी को सस्टेन करके रख सकते हैं विद द मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स. तो जिसमें हम फेथफुल हैं फॉर द पब्लिक वर्क. इसके लिए वी हैव अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज द फैमिली ट्राइब्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो एमर्ज करते हैं टू हेल्प द पीपल फुलफिल देयर नीड्स एंड एस्पिरेशंस. ठीक है. तो अमॉन्ग सच इंस्टीट्यूशंस जो हमारा गवर्नमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है. क्योंकि अब हमने कोई भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली और ट्राइब्स की ही ड्यूटी नहीं बनती है. मेनली अगर हम पॉलिटिकल वे में अंडरस्टैंड करते हैं तो गवर्नमेंट जो होता है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड. किसी भी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए वी नीड अ गवर्नमेंट एंड हाउ दे फंक्शन इज दैट द इम्पॉर्टेंट. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट किस तरीके से फोकस करती है वेलफेयर वर्क करती है फॉर द सिटीजन्स. वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट. सिर्फ उनके अफेयर्स तक सीमित नहीं रहता है. In fact, what governments do is relevant because it affects the life of the people in many ways. Government ke kaam se bahut sare people pe effect hota hai, citizens pe effect jata hai. So we see that government determines our economic policy and foreign policies and education policies. So hame ye chahiye ki jo bhi government aati hai, wo apna bahut acche se work kare for the economic, for the foreign and for the education policies. So these policies can help to improve the lives of the people, but an inefficient or corrupt government can also endanger people's lives and security. So sab kuch nirbhay karta hai ki government kis tarike se hai. Theek hai na. If the government in power allows any conflict to become violent, तो market क्या होता है? Market नीचे गिर जाता है, schools बंद हो जाते हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है. तो बहुत कुछ depend करता है governments पे. ठीक है ना. तो government का work अगर खराब होता है तो बहुत कुछ country का खराब हो जाता है. Even we can say अगर government कि जो policies होती हैं वो effectively work नहीं करती हैं तो जितना पैसा पेरेंट्स या कोई भी वर्कर्स अपने ऊपर फैक्ट लगाता है तो वो सब बेकार जाता है. तो ऑन द अदर हैंड वी से गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज टू इंक्रीज लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट. उसको इन चीजों पर वर्क करना पड़ेगा. सो दे मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू द गुड स्कूल्स एंड गेट अ डिसेंट जॉब्स. तो गवर्नमेंट का मेन फोकस होना चाहिए लिटरेसी लेवल इम्प्रूव करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज इम्प्रूव करना. ठीक है. The beside that we the actions of the governments affects us deeply. If we take lively interest in what governments do, ये पूरा पैराग्राफ आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से एक्शन में लाती है. और बहुत सारे एसोसिएशंस ऑर्गन
ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में लोगों को हेल्प करती है. सो वी कैन मेक एसोसिएशंस, वी कैन डू द कैंपेनिंग टू फॉर आर डिमांड्स. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट पीपल कैन परस्यू फॉर द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स को अपना काम याद दिलाने के लिए वो कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द कंटेंट. सो ये पूरा जो टॉपिक है वो यही एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट, सो जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से हेल्प आउट करती है किसी भी किसी भी कंट्री को पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए और पॉलिटिक्स से बियॉन्ड जाने के लिए. तो पॉलिटिक्स जो होती है वो दो तरीके से इफेक्ट करती है, इन द पॉजिटिव कि वो गवर्नमेंट को स्टेबल रखे एंड इन नेगेटिव कि वो कंट्री को ही खराब कर दे. अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी. अब हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम इतनी बड़ी जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी उसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं. ठीक है ना, सो इन पॉलिटिकल थ्योरी वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, वी विल बी रीडिंग अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशंस और मोर एवर वी विल सी कि जो हमारे गवर्नमेंट है वो किस तरीके की जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, किस तरीके की पॉलिसीज देते हैं. ठीक है ना, और मेनली जो आइडल्स हैं हमारे डेमोक्रेसी और हमारे गवर्नमेंट के, दैट इज डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, इनको डीपली अंडरस्टैंड करने में पॉलिटिकल थ्योरी बहुत कुछ हेल्प करता है. सो लेट स्टार्ट दिस कंटेंट कि हमारा जो पॉलिटिकल थ्योरी का मेन कंटेंट होता है दैट इज आर कॉन्स्टिट्यूशन. सो द कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको ओवरनाइट तैयार नहीं किया जा सकता है. ठीक है, फॉर दैट इट इज नीडेड अ लॉट्स ऑफ डिबेट एंड बहुत सारे जो जो फिलोसोफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, दे हैव आर्ग्यूड ओवर द इयर्स ऑन दिस कि किस तरीके की गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए और मेनली किसी भी कंट्री के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं टू वर्क स्मूथली. ठीक है ना, तो देर आर वी कैन से मैनी पीपल दे हैव वर्क फॉर दिस. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग प्लूटो एंड एस्ट्रोलेट, इन्होंने डिस्कस किया था विद देयर स्टूडेंट्स कि मोनार्श बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है. तो इन दोनों का जो मॉडर्न जो पॉइंट निकला है दैट अमॉन्ग विद देयर स्टूडेंट्स कि डेमोक्रेसी इज मच बेटर देन द मोनार्श सिस्टम. सो अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करेंगे तो मॉडर्न टाइम के हमारे जो स्कॉलर्स हैं दैट इज रसुए, he has argued कि फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए फॉर द ह्यूमन काइंड. सो किसी भी ह्यूमन को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कैपेबल बनाने के लिए फ्रीडम बहुत जरूरी है. देन वी हैव अ स्कॉलर लाइक द कार्ल मार्क्स, इन्होंने इक्वालिटी को उतना ही इम्पोर्टेंट माना है जितना कि फ्रीडम को. सो फॉर हिम ही थिंक्स दैट फ्रीडम एंड इक्वालिटी इज मोर equally important. And one person who is from our home, that is Mahatma Gandhi ji. When we talk about Mahatma Gandhi ji, he has given the meaning of genuine freedom. इन्होंने बिल्कुल जो genuine freedom का जो मतलब है वो समझाया है, that is from his word Swaraj, जो उनकी खुद की book हिंद स्वराज से लिया गया है. ठीक है ना, तो एक और फिलोसोफर है दैट इज डॉक्टर अंबेडकर जी. डॉक्टर अंबेडकर जी का बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट रहा है रिलेटेड टू द शेड्यूल कास्ट, जो जिन्होंने इन लोगों को कंसिडर किया है फॉर द माइनॉरिटी ग्रुप्स. ठीक है ना, तो ये एक अपने माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए स्पेशल प्रोटेक्शंस की डिमांड करते हैं. So these are the things that we have in our constitution aur inko hamare preambles mein bhi positions mili hai. To Mahatma Gandhi ke jo principles hain it is also known as a Gandhian principles, that is also written in a directive principles.
ठीक है. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं इन द पॉलिटिकल थ्योरी. तो पॉलिटिकल थ्योरी एक आल्सो डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, किससे बना है, एंड मोर एवर इसमें क्या क्या आइडियाज और प्रिंसिपल्स लिए गए हैं, ठीक है ना. गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ्स किस तरीके से सिस्टमैटिक मैनर से बनी हुई होती है. सो फॉर दिस वी विल रीड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स लाइक द फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म. तो यही सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे पॉलिटिकल थ्योरी को और इफेक्टिव बनाएंगे, और हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे इन दिस बुक. So moreover, even we will also read about कि ये जो political theories में हमें कुछ terms मिलती हैं, जैसे कि कुछ principles मिलते हैं, जैसे कि rule of law, separation of power, judiciary review, ये कुछ concepts होते हैं that we will try to examine in from this book. ठीक है. So the same thing it has been explained here, so you can read the chapter deeply. We will also see in the political theory ki whether these concepts, for example freedom and equality, these concepts are really implemented or relevant to the people or not. क्योंकि बहुत सारी चीजों पे हमने ये देखता है कि ऑल्दो जो इक्वालिटी होती है वो पॉलिटिकल स्पीयर्स में ही होती है, और वो वहां पे पॉलिटिकल फॉर्म में इक्वल राइट्स अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना. सो इट मे नॉट एग्जिस्ट द सेम एक्सटेंट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यानी सेम अगर इक्वालिटी की हम बात करें और इकोनॉमिकली और सोशल अफेयर्स में वो लोगों को इक्वल ना दे रहे हों, तो पीपल में इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट बट स्टिल बी डिस्क्रिमिनेटेड. अगर हम कोई भी एग्जांपल लें तो हमें उसमें ये लगेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में तो हमें इक्वालिटी मिला हुआ है, बट रियलिटी में अगर हम देखे जाए तो हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वी आर नॉट इक्वल, एंड सोशली देयर वी हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी. ओके, सम पीपल मे हैव प्रिविलेज्ड प्लेस इन द सोसाइटी, और कुछ लोग होते हैं जिनको इन बेसिक्स चीजों से भी अलग कर दिया जाता है, या उनको वो चीजें मिलती भी नहीं है, ठीक है ना. सो वी विल आल्सो रीड दीस टर्म्स इन डिटेल्स. अब हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है, व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि व्हाटएवर the freedom is guaranteed in our constitution that are really encountered new interpretations all the time. यानी कि जो जो हमारे constitution में किसी भी चीज की guaranteed है, तो whether they are encountered all the time is or not. So this is a bit like playing a game. If we play a chess and cricket, हमें उसके कुछ rules को समझना पड़ता है, ठीक है ना. इन द प्रोसेस वी डिस्कवर न्यू एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ द गेम इटसेल्फ, तो उससे हमें उसका गेम का पूरा अंडरस्टैंड हो जाता है. सिमिलरली जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, दे आर कॉन्टिन्यूली बीइंग इंटरप्रेटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ द न्यू सर्कमस्टांसेस. कई नई चीजों के, कई नई सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग में वी ट्राई टू चेंज दीज थिंग्स, and we try to interpret means usme kuch na kuch dalte jate hain according to the situation. For instance, the right to life has been interpreted by the court to include the right to livelihood. Agar jeene ka adhikar hai to court ne usko interpret karke ye bhi bola, agar aap jeene ka adhikar dete ho to uske sath sath लाइवलीहुड का भी अधिकार होना चाहिए, यानी उसको बेसिक्स एमिनिटीज मिलना भी जरूरी है, ठीक है. तो उसके लिए गवर्नमेंट वर्क करती है सो दैट उनको कम रेट में अनाज मिले, ताकि कोई भी भूखा ना मरे. तो अगर जीने का अधिकार है तो उसको गवर्नमेंट, उसको इंटरप्रेट किया गया है बाय द कोर्ट टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है ना. द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन गारंटेड थ्रू अ न्यू लॉज,
ठीक है, न्यू लॉ से हमने राइट टू इंफॉर्मेशन में भी कुछ एडिट्स किए हैं. तो सोशलिस्ट सोसाइटीज जो है दैट इज फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर न्यू चैलेंजेस. सोसाइटी हमेशा नए चैलेंजेस को बताती रहती है, विच जनरेट न्यू इंटरप्रिटेशन, जिससे हमें अपने नए नए टर्म्स में नए नए चीज़ों लॉज के थ्रू इन फंडामेंटल राइट्स में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट या कुछ एक्सपैंडिंग करना पड़ता है ओवर द टाइम्स. थर्ड, वी विल ऑल्सो रीड अबाउट द वर्ल्ड चेंजेस, ठीक है ना. सो एज द वर्ल्ड चेंजेस वी मे डिस्कवर न्यू डिमिनिशंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज न्यू थ्रेड्स ऑफ फ्रीडम. क्या होता है, हम फ्रीडम को इंजॉय करते हैं, हम नए नई तरीके से जो वर्ल्ड में रहते हैं उसको भी इंजॉय करते हैं. अगर हम फ्रीडम में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम को कोई खतरा तो नहीं है, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी. सो फॉर इंस्टेंस आजकल हम किस में रहते हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में रह रहे हैं. इसने क्या कर दिया, इट मेक्स ईजियर फॉर एक्टिविस्ट टू नेटवर्क विद वन अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर्स एंड फॉरेस्ट. तो बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं जो इन सोशल मीडियाज में रहते हैं, इन लोगों ने कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन का वर्क किया है फॉर द ट्राइबल कल्चर्स एंड द फॉरेस्ट. बट कई बार इन चीजों ने टेररिस्ट एक्टिविटीज को और क्राइम्स को भी नेटवर्क दिया है, यानी यहीं से ये चीजें भी जन्म लेती है. तो मोर एवर वी कैन से जो इंटरनेट कॉमर्स है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज इन द फ्यूचर. एंड ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन है टू गिव अदर्स ऑनलाइन टू बाय गुड्स. यानी हम इतने इंटरनेट कॉमर्स में हो गए हैं तो हम ऑनलाइन बहुत कुछ खरीद लेते हैं. तो आजकल के हमने जो लोगों को बोला है, वी आर द नेटिजन्स, यानी सिटीजन्स ऑफ द इंटरनेट एंड दे डू नॉट लाइक गवर्नमेंट्स कंट्रोल. वो जैसे अभी पबजी बैन हुआ है, उसमें गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, तो दे डोंट लाइक इट. दे रिकॉग्नाइज दैट सम फॉर्म ऑफ रेगुलेशन इज नेसेसरी टू सेफगार्ड इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. So as a result, questions are raised regarding how much freedom should be given to the people using the net. So in cheezon ko bhi hum apne under mein check karenge ki kitna freedom logon ko dena chahiye, kitna freedom unke freedom ko maintain karke rakh sakta hai. Kahin na kahin agar freedom mila hai to wo ek thread na ban jaye, ek is tarike ka crime na ban jaye जिनको प्रोटेक्ट करना फिर मुश्किल हो जाएगा. सो दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू रीड इन द पॉलिटिकल थ्योरी. तो पॉलिटिकल थ्योरी हमारे बहुत कुछ हमें सिखाता है अबाउट पॉसिबल आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट आर रिलेवेंट फॉर द सोसाइटी, ठीक है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया था. So this was the content for today. Please read, make your own notes and take care of yourself. Thank you.